मोदी का ग्राफ गिराना है, भाई ग्राफ गिराने की साजिश जो है वो हो रही है यहाँ तो। एक यूएसए का जो है व्यापारी है, बिजनेसमैन सोरोस नाम है उसका, ये उसका पैसा आता है यहाँ पर के अडानी और अंबानी को गिराने के लिए, जोर सोरस उसका पैसा आता है इनको गिराने के लिए। और इसमें सर राहुल गांधी, दीपेंद्र हुड्डा और ये एक इनका वो प्रवक्ता है गुरप्रीत पप्पल, आजकल वो जो है ना वहाँ पर किसान बन के आया हुआ है, वो कनाडा में भी जाता है और यहाँ उनका जो है इसका प्रवक्ता है, और वो आज वहाँ पर बैठा हुआ है अम्बाला समूह बॉर्डर के ऊपर, इनका किसान किसानों का हितैषी बन के। पंजाब का किसान भी यहाँ नहीं है, यहाँ आड़ती और जो फंडिंग पाए हुए जो लोग हैं वो हैं जिन्होंने देश को कमजोर करना है। इस हमारे इसमें यूरोप में एक देश है वेनेजुएला, शायद यूरोप में दक्षिण अमेरिका में किसमें वेनेजुएला देश है, वो दुनिया का सबसे सबसे जो है ना धनी देश था, इतना पैसा था उसके पास के रखने के लिए जगह नहीं थी। आज वो कंगाल ही कंगाल है, बिल्कुल भूखे मर रहे हैं वहाँ के लोग इन्हीं देशों के वजह से। वहाँ एक शासक आया था और उन्होंने सब कुछ फ्री कर दिया था, फ्री फ्री के चक्कर में वो देश खत्म हो गया। आज वो भिखमंगा श्रीलंका से ही बुरी हालत है उसकी, श्रीलंका को तो इंडिया जैसा जो है अनाज दे देता है लेकिन उसको तो वहाँ वो भी नहीं है। आज ये ऐसा जो आंदोलन कर रहे हैं वही सोच है कि मोदी को बढ़ने ना दें, देश को पीछे ले जाओ और तुम्हारी यहाँ पर जो है ना चलती रहे। बिल्कुल, हम ये भी देख रहे हैं कि देखिए लगातार ये कहा जा रहा है कि भाई भारत सरकार जो है, मोदी सरकार जो है, किसानों को इस तरीके से रोक रही है मानो पाकिस्तान से कोई आर्मी आ रही हो, उसे रोकने के लिए बैरिकेड लगाई गई है, वहां पर केले बिछाई गई है, वहां पर गड्ढे खोदे गए हैं, पूरा युद्ध स्तर पर तैयारी की गई है। तो वो सवाल ये उठ रहे हैं राजनीतिक गलियारों में, कह रहे कि भाई किसान है, भारत के किसान है, ना कि कोई बाहर देश से आक्रमणकारी आ रहा है जो आप मोदी सरकार से रोक रही है। नहीं, किसान तो है ही नहीं, किसानों को तो सिर पे बैठाते हैं मोदी, किसान है ही नहीं, ये अपने आप को किसान क्यों बोल रहे हैं? किसान कभी अल्लाह नहीं करता, किसान अपनी मांगे शांति से मनवाता है। मैं भी किसान हूं, मैं तो नहीं जाता कहीं दंगे में। इनका मकसद क्या लगता है? मकसद है देश को कमजोर करना, मोदी की जो है ना टीआरपी बढ़ी हुई है उसको डाउन करना, और कुछ नहीं, कोई मकसद नहीं है, और इलेक्शन को प्रभावित करना चाहते हैं ये, और कुछ नहीं है। तो सवाल यहाँ भी उठते हैं कि जो ये इनका जो समय है आंदोलन करने का, ये इलेक्शन के एकदम बराबर बराबर थोड़ा लेकर आ गए हैं, जो राहुल गांधी अपनी भारत जो जोड़ो न्याय यात्रा है उसे छोड़कर अब किसानों के साथ में खड़े हो गए, यहाँ पर शामिल हो रहे हैं, तो ये तो पूरा एक मामला षड्यंत्र वाला लगता है। भारत में कहाँ अन्याय हो रहा है, कहाँ जो है ना टूटा हुआ है भारत, जोड़ने की जरूरत क्या है, यहाँ गले मिला रहे हैं क्योंकि इन्हीं के प्रोजेक्ट भी जो नहीं गए ना, बिल्कुल इन्होंने ही प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। अब आप एक बात बताओ, बोलते हैं किसान 60 साल का हो जाए तो 10,000 रुपए पेंशन कर दो, क्यों भाई? जो रेडी पे जो बेचारा अपना केले बेचता है वो इंसान नहीं है क्या? जो आदमी गरीब मजदूरी करके अपनी जीविका चला रहा है क्या वो इंसान नहीं? उसको 60 साल के बाद नहीं चाहिए पेंशन, अकेला किसान ही क्यों? और किसान को अन्नदाता क्यों बोलते हैं? किसको अन्न देता खाने के लिए? वो अपना पैसा लेता तब अन्न देता है। मैं भी जो है जो उगाता हूँ पैसा देता हूँ, मैं किसी को खाने के लिए नहीं देता। मैं अन्नदाता कहाँ से हो गया? अन्नदाता है करदाता, जो कर देता है, टैक्स देता है, वो है अन्नदाता, वो बदले में कुछ नहीं लेता। इनको सब्सिडी भी मिलती है, डीजल पर सब्सिडी, खाद पर सब्सिडी, हर चीज पर सब्सिडी मिलती है। ये देते क्या है देश को? अन्नदाता देते क्या है देश को? अपने अन्न को बेचते हैं ये। और इनको अगर MSP इसकी जैसे और चीजों के ऊपर MRP लिखा होता, अपने अनाज पर MRP लिख के बैठ जाओ रोड के ऊपर बेचो, सरकार को क्या दिक्कत है? MRP अपने आप लिखो और बेचने लग जाओ रोड के ऊपर, जिसको जरूरत होगी तो वो ले लेगा। एक बात और, अगर MRP आपने कानून बना दिया तो मेरे को मजबूर नहीं कर सकते कि मैं उनसे MRP पे ले लूंगा, मैं अपनी मर्जी से लूंगा, किसी को कोई जो है दबाव नहीं है। फिर इनको क्या आगे क्या करेंगे? फिर ये चाहते हैं कि सब कुछ तुम्हारा हो, तुम्हारे आगे पीछे नाचे लोग, और कुछ नहीं है इनका मतलब। और ये कुछ दिन ये बात जो है अपने आप जो है रो पीट के चले जाएंगे। अच्छा, आपको लगता है कि देखिए मांगे ये भी की जा रही है कि जो तमाम अंबर केस लगे थे इससे पहले, 26 माह का समय बीत गया है इससे पहले जो आंदोलन हुआ था दिल्ली में, जो एक डर का माहौल बनाया गया था, ऐसा लग रहा था कि दिल्ली वासियों में कहीं ना कहीं घरों में दुबक के बैठने का माहौल हो गया था। अब वो कह रहे कि जो हमने वहां पर हरकत करी थी, जो वहां पर हमने कानून व्यवस्था को ध्वस्त किया था, वो केस हम पर वापस लिए जाए, हमें एकदम निर्दोष साबित कर दिया जाए। बिल्कुल निर्दोष साबित नहीं किया जाएगा ऐसे इंसानों को, तो दोबारा दौड़ दंग मचाने के लिए क्या ले आए क्या रोड पे?
ये देश के विरोध में है बिल्कुल, और आम जनता समझती है जी। ये जितना मोदी के पीछे पड़े, मोदी विरोध करेंगे, देश का विरोध करेंगे, उसकी टीआरपी उतनी ऊपर जाएगी, इनको कोई शक नहीं होना चाहिए। आप तो फौजी भी हैं, किसान भी हैं, आप कैसे देखते हैं ये जो तमाम मांगे की जा रही हैं, तमाम जो प्रदर्शन किया जा रहा है, अब तो एक प्रदर्शन भी कहीं ना कहीं जो है आक्रामक हो रहा है, आप कैसे देखते हैं इसे? इसमें एक भी मांग जायज नहीं है और ना कोई मानने लायक है। ये खेतों में काम अपने करेंगे, मनरेगा के तौर पर जो 700 रुपए डेली का मांग रहे हैं, क्यों भाई? और कोई जो दिहाड़ीदार आदमी नहीं है जिसको चाहिए क्या? यही अन अपना फ्री में देते हैं क्या किसी को? गवर्नमेंट से पैसा लेते हैं भरपूर, तब जाकर के जो है ना ये अपने घर में घुसते हैं। फिर इनको किस चीज़ का खाद पे सब्सिडी, इनको पानी पे सब्सिडी, इनको बिजली पे सब्सिडी, इनको डीएपी पे सब्सिडी, इनको फिर मैं भी लेता हूँ सब्सिडी, फिर मैं गवर्नमेंट से जो है धक्का मुक्की कैसे कर सकता हूँ, जबरदस्ती कैसे कर सकता हूँ? फसल का 50% लागत भी मिलना चाहिए, क्यों मिलना चाहिए? बीमा करवाया है, जब गवर्नमेंट बोल दिया भाई अपना बीमा कराओ, स्कीम चली, कोई बीमा नहीं करवाता, बीमा करवाओ अपना मिलेगा फसल का पैसा, बीमा भी तो करवाना जरूरी है, जब गवर्नमेंट ने दे दिया ऑप्शन, बीमा क्यों नहीं करवाते? ये बीमे से पीछे भागते हैं। आपको लगता है कि अगर ये जैसा आपने कहा कि ये भाई अब मोदी का ग्राफ जो है उसे कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, आंदोलन तो अब हो रहा है लगातार, ये राकेश टिकैत जैसे नेता ये भी कह रहे हैं कि अभी हम भी पीछे हैं, हम भी जरूरत पड़ी तो आगे आएंगे, आपको लग रहा है भाई 24 का चुनाव नजदीक है, मोदी का ग्राफ कमजोर होगा, इससे किसान जो है या जो भी लोग हैं ये जो षड्यंत्र कर रहे हैं उसमें सफल हो पाएंगे? 10% और बढ़ेगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा 10% और बढ़ेगा। दुनिया आजकल पागल नहीं है, वोटर पागल नहीं है, इनकी सब मनसा समझता है, ये जितना भी कुछ कर लें और बढ़ेगा। अभी तो ये बेचारे 350 आसपास बोल रहे थे, 400 से ऊपर जाएगा इनका ग्राफ। अच्छा। और ये धराशाई हो जाएंगे सारे, इनको अटैक आएगा, इलाज करने वाला नहीं मिलेगा इनका कोई।